Hello students, in the last video we have completed even and odd signals. Now in this video we will start energy and power signal. Okay, so energy and power signals aapke kya hote hain, kis tarike se hum kisi bhi signal ki energy and power calculate kar sakte hain. Okay, koi bhi signal agar aapko xt given hai ya xn given hai, to how you can identify that it is a energy signal or it is a power signal. ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में. ओके, सबसे पहले लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज पावर. ओके, सपोज करिए मैं आपके लिए यहां पर 30 मिनट्स की वीडियो बना रहा हूं. ओके, सो 30 मिनट्स की जो मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा उसके लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना. ये वर्क ही क्या है, एनर्जी है. तो ये 30 मिनट्स तक मैं जितना वर्क करूंगा दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी. तो जो एनर्जी होगी वो ऑलवेज आपकी क्या होगी, टोटल होगी. ओके, सो हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज टोटल एनर्जी. ओके, और अगर मैं इस टोटल वर्क या टोटल एनर्जी में जो मैंने 30 मिनट्स का जो टाइम है अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं तो वो कहलाता है आपका एवरेज पावर. ओके, सो एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड एवरेज पावर. ओके, तो यहां पर हमें कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए भी एनर्जी और पावर के फॉर्मूले स्टडी करने हैं और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी स्टडी करने हैं. ओके, तो यहां पर अगर मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूं अब, तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी. ओके, यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मॉड की क्या मीनिंग है. मॉड मींस मॉड आपको तब यूज करना है जब आपका सिग्नल एक्सटी जो है कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, ठीक है ना. अगर सिग्नल एक्सटी कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो आप उसका मॉड कंसीडर करेंगे, ठीक है. अगर सिग्नल एक्सटी रियल सिग्नल है देन डायरेक्टली एक्स स्क्वायर टी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है. नाउ पावर की अगर बात करूं तो पावर का फॉर्मूला होता है लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2t माइनस t से प्लस t मॉड ऑफ xt का स्क्वायर dt. ओके, यहां पर पावर के फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जितना आपका इंटीग्रेशन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होगा, मतलब जितनी ड्यूरेशन के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं दैट इज t माइनस ऑफ माइनस t 2t, तो आपको डिवाइड भी 2t से ही करना है. अगर आप कोई ऐसा फॉर्मूला देखते हैं पावर का जहां पर लोअर लिमिट होगी माइनस टी बाई टू एंड अपर लिमिट होगी टी बाई टू, तो टी बाई टू माइनस ऑफ माइनस टी बाई टू, टोटल ड्यूरेशन क्या हो जाएगी टी, तो आप डिवाइड भी करेंगे टी से दैट इज वन बाई टी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. नाउ अब अगर मैं यहां पर बात करूं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बिल्कुल सेम होता है, बस इंटीग्रेशन की जगह आपको यूज करना है समेशन, एन की लिमिट यहां भी माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट होगी और आपको लिखना है मॉड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर. ओके, सो बिल्कुल ही सेम रहेगा जैसा आपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में देखा है. ओके, यहां भी मॉड आपको तभी लेना है जब आपका एक्स एन जो है वो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है. ओके, नाउ पावर का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे वहां पर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी था यहां पर n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये पॉइंट तो सेम है, यहां पर कोई चेंज नहीं है. ओके, वहां पर कैपिटल T क्या था, टाइम पीरियड कंटिन्यूअस टाइम में, यहां कैपिटल N क्या है आपका, टाइम पीरियड डिस्क्रीट टाइम में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या था, 1 अपॉन 2T था वहां पर, यहां पर क्या होता है 1 अपॉन 2N प्लस 1, यही एक मेजर चेंज होता है, बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना. लिमिट होगी माइनस एन से प्लस एन मॉड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर. ओके, तो यहां पर आप समझिए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में 1 अपॉन 2t था, यहां पर 1 अपॉन 2n क्यों नहीं है, 1 अपॉन 2n प्लस 1 क्यों है, ठीक है. तो आपको यह बात समझनी होगी, डिस्क्रीट में जब आप सैंपल्स को काउंट करते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स को, तो आपका जो जीरो पर सैंपल रहेगा वो भी काउंट होता है, लेकिन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में वो काउंट नहीं होता है ड्यूरेशन को काउंट करते टाइम. जैसे कि अगर एक सिंपल सा आप एग्जांपल देखें,
सपोज करिए मैं यहां पर एक सिग्नल ले रहा हूं कंटीन्यूअस टाइम माइनस टू से प्लस टू, ओके टी एक्स टी। तो देखिए यहां पर टोटल ड्यूरेशन कितनी है आपकी, फोर है, दिख रहा है हमको अच्छे से, टू माइनस ऑफ माइनस टू फोर। सेम अगर मैं इसका सैंपल कर दूं और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाऊं एक्स एन वर्सेज एन, तो देखिए माइनस टू पर एक सैंपल, माइनस वन पर एक सैंपल, जीरो पर एक सैंपल, वन पर एक सैंपल और टू पर एक सैंपल। तो आप देख सकते हैं माइनस टू से प्लस टू के बीच में फाइव सैंपल हो गए। क्लियर हो रहा है इसका मतलब, दैट इज जीरो पर जो सैंपल था उसे हमने इंक्लूड किया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो स्मॉल एन की लिमिट माइनस टू से प्लस टू है तो टोटल आपके टू एन प्लस वन, दैट इज टू इंटू टू प्लस वन, फाइव सैंपल्स होंगे। इसलिए आप डिवाइड किससे करेंगे, वन अपॉन टू एन प्लस वन से करेंगे। क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट टाइम में एनर्जी एंड पावर का, ओके। नाउ अब अगर मैं यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन कंसीडर करूं, पहले जो मैं क्वेश्चंस कंसीडर करने वाला हूं शुरू के एक दो क्वेश्चंस, वहां पर मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन करूंगा, वहां मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि कहां पर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है और कहां पर पावर कैलकुलेट करनी है, ओके। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सिग्नल एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, सिग्नल को देखकर ही आप बता पाएंगे, ठीक है ना। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी हमें, ओके। बट स्टार्ट के एक दो क्वेश्चन हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। सपोज करिए आपको एक्स टी दिया हुआ है ई की पावर माइनस टू टी यू टी, ओके। तो यहां पर देखिए मुझे कहा गया है कि डिटरमाइन द एनर्जी और पावर ऑफ द सिग्नल। अब मुझे अभी पता नहीं है कि ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, हो सकता है नाइदर एनर्जी नॉर पावर भी हो, ठीक है ना। तो मुझे कैलकुलेट कर करके देखना पड़ेगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको एनर्जी को कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। हमेशा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देखकर कि सिग्नल एनर्जी है कि पावर, तो ऑलवेज गो फॉर एनर्जी कैलकुलेशन फर्स्ट। तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर टी डी टी। यहां पर मैंने मॉड नहीं लिया क्योंकि जो आपको एक्स टी दिया हुआ है वो आपका रियल सिग्नल है, यहां पर कोई जे का टर्म अवेलेबल नहीं है। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यू टी से मल्टीप्लाइड है एक्स टी आपका, तो लिमिट हो जाएगी जीरो से इन्फिनिटी, और एक्स स्क्वायर टी करना है मतलब ई की पावर माइनस फोर टी डी टी, ओके। इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस फोर टी डिवाइडेड बाय माइनस फोर जीरो टू इन्फिनिटी, आंसर आ जाएगा वन अपॉन फोर जूल, ओके। तो ये आपका वैल्यू आ गई एनर्जी की। तो आप एनर्जी की वैल्यू देख सकते हैं यहां पर फाइनाइट है। अगर आपकी एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट है इसका मतलब साफ है कि ये सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट हो गई दैट मींस वो हर हाल में एनर्जी सिग्नल ही होगा, ना तो वो पावर सिग्नल हो सकता है ना ही वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल हो सकता है, ओके। तो ये फिक्स हो गया दैट एक्स टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टू टी यू टी इज अ एनर्जी सिग्नल। नाउ फिर भी अगर मैं इसका पावर कैलकुलेट करके देखूं तो पावर का फॉर्मूला क्या है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी माइनस टी से प्लस टी एक्स स्क्वायर टी डी टी, ओके। यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर टी की वैल्यू पुट कर दूं अब, तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी, और आप देख सकते हैं एक्स टी के फॉर्मूले में यू टी से मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स आपकी लिमिट यहां पर भी जीरो से स्टार्ट हो जाएगी, यू टी से मल्टीप्लाइड है मतलब नेगेटिव साइड आपका नहीं आएगा, ओके। अब आप देखिए यहां पर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी, ओके, ई की पावर माइनस फोर टी अपॉन माइनस फोर जीरो से टी, ओके। आप देख सकते हैं जब ये लिमिट्स आप पुट कर देंगे तो ये जो कैपिटल टी लिमिट है वो स्मॉल टी में जब पुट करेंगे तो टर्म बन जाएगा ई की पावर माइनस फोर कैपिटल टी, लेकिन जब आप लास्ट में टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे
तो यहां पर 1 अपॉन 2t से मल्टीप्लाइड है, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये 1 अपॉन 2t का टर्म हो जाएगा 0 और आपका कंप्लीट पावर आ जाएगा 0 वॉट। ओके, तो इसको देख के तो आप ये सोच रहे होंगे कि 1 अपॉन 2t से तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला है वो आपका पावर का, तो जब आप लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो पावर हमेशा ही 0 हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि जब आप x स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करते तो यहां से कोई कैपिटल t का टर्म कॉमन आता, जिससे कैपिटल t कैंसिल हो जाते और फिर आपकी पावर की वैल्यू नॉन जीरो आपको मिल जाती। लेकिन इस x स्क्वायर t के इंटीग्रेशन के टाइम में कोई भी कैपिटल t का टर्म कॉमन नहीं आया, जिससे कैपिटल t कैंसिल नहीं हो पाए। ओके, तो ये हमेशा होगा, जब भी सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल होगा तो ये काम आपका हमेशा होने वाला है। ओके, तो आपको एक इंपॉर्टेंट यहां से कंक्लूजन मिल गया, इसको हमने सॉल्व भी इस कंक्लूजन के लिए किया था कि फॉर एनर्जी सिग्नल, ओके, कोई भी सिग्नल अगर एनर्जी सिग्नल है, पावर इज ऑलवेज जीरो। ओके, और ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड होगी कि अगर कोई भी सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल होगा तो उसका पावर हमेशा ही क्या होगा, आपका जीरो होगा। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, यहां पर सपोज करिए मैं कुछ ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, -3 से +3 टी और ये है आपका एम्पलीट्यूड 10। ओके, इस सिग्नल के बारे में भी आपको कुछ गिवन नहीं है कि ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, तो हम स्टार्ट फिर से करेंगे एनर्जी से। तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा -∞ से +∞ एक्स स्क्वायर टी डी टी। ओके, बट यहां पर आप देख सकते हैं लिमिट कहां से कहां तक है, -3 से +3। सो -3 से +3 एक्स स्क्वायर क्या है, -3 से +3 के बीच में 10 का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 100 × 6 दैट इज 600 जूल। ओके, नाउ अगर मैं इसका फिर से पावर कैलकुलेट करूं, जिसकी बिल्कुल नीड नहीं है, मुझे पता है कि एनर्जी फाइनाइट है तो ये सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल है। ओके, तो आप देखिए पावर का फॉर्मूला आपका यही है, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब अगर मैं यहां पर एक्स टी की वैल्यू पुट करूं यहां पर, तो लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t, देखिए एक्स टी कहां से कहां तक फैला हुआ है, -3 से +3। ओके, आप लिमिट रख दीजिए -3 से +3 100 × dt। ओके, तो पावर का क्या हो जाएगी वैल्यू, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t, ठीक है, 1/2t आ गया आपका, × 600। नाउ यहां पर फिर से कोई t कॉमन नहीं आया, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर पावर कितना हो जाएगा आपका, 0 वॉट। ओके, क्लियर है अच्छे से? तो इन दो क्वेश्चन से हमें बिल्कुल प्रूफ हो गया है कि फॉर एनर्जी सिग्नल पावर इज ऑलवेज 0। ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अब आप देखिए, सपोज करिए मेरे को एक डीसी सिग्नल गिवन है यहां पर। ओके, 1 DC सिग्नल इज गिवन टू मी, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है ए और एक्स टी सिग्नल है मेरा, ठीक है। नाउ यहां पर मुझे फिर से बोला गया है एनर्जी या पावर कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो आप देखिए अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करूं यहां पर, तो हो जाएगा -∞ से +∞, मेरा सिग्नल देख लीजिए -∞ से +∞ तक फैला हुआ है और एम्पलीट्यूड क्या है, ए, तो ए स्क्वायर डी टी। ओके, क्लियर है अच्छे से? तो देखिए ए स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, और लिमिट क्या हो जाएगी, -∞ से +∞। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, आंसर ओवरऑल क्या बन जाएगा आपका, इन्फिनिटी जूल। ओके, तो यहां पर मेरे सिग्नल की एनर्जी आ गई इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये 100% श्योर है कि इट इज नॉट अ एनर्जी सिग्नल। ओके, नाउ अगर मैं इसका पावर अब कैलकुलेट करके देखूं, क्योंकि ये फिक्स हो गया है कि एनर्जी सिग्नल तो है नहीं। ओके, तो पावर के फॉर्मूले में -t से +t एक्स स्क्वायर टी दैट इज ए स्क्वायर डी टी। ओके, अब आप देखिए पी लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t × a² × 2t। ओके,
तो 2t और 2t यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपको लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने की कोई नीड नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, कोई भी अगर डीसी सिग्नल हो वो हमेशा पावर सिग्नल होता है, और उसका पावर क्या होता है आपका, a स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहां पर कंक्लूजन कैलकुलेट किया है, वो ये है कि अगर कोई सिग्नल पावर सिग्नल है, फॉर पावर सिग्नल, ओके, जो आपकी एनर्जी होगी वो ऑलवेज क्या होगी, इन्फिनिटी। ओके, हमने क्या सीखा, एनर्जी सिग्नल के लिए पावर क्या होगा, जीरो, बट पावर सिग्नल के लिए एनर्जी क्या होगी आपकी, इन्फिनिटी होगी। क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल्स जरूर हैं, ये न्यूमेरिकल्स जरूर हैं, लेकिन ये सारे न्यूमेरिकल्स आपकी थ्योरी डेवलप करने के लिए कराए जा रहे हैं, ठीक है ना, आपके कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए कराए जा रहे हैं। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी लूंगा जब ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर अब आप देखिए, यहां पर मान लीजिए कोई सिग्नल आपको दिया है, एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर टू टी यू टी। ओके, तो अगर मैं इसकी एनर्जी अब कैलकुलेट करूं, यू टी से मल्टीप्लाइड है, तो जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी, दैट मीन्स ई की पावर फोर टी डी टी। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, ई की पावर फोर टी अपॉन फोर जीरो टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा इन्फिनाइट जूल। ओके, तो अभी तक जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर एनर्जी इन्फिनिटी आ जाए देन गो फॉर पावर कैलकुलेशन, और लास्ट क्वेश्चन में हुआ भी यही कि जब एनर्जी आपकी इन्फिनिटी आ गई तो सिग्नल आपका पावर सिग्नल निकला। तो यहां पर हम चेक करते हैं क्या ये सिग्नल पावर सिग्नल है, तो P इक्वल टू लिमिट T टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी जीरो से T E की पावर फोर टी डी टी। ओके, नाउ अब आप देखिए लिमिट T टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी ई की पावर फोर टी अपॉन फोर जीरो से टी। ओके, अब आप देखिए जब आप कैपिटल टी को पुट करेंगे एज अ अपर लिमिट ई की पावर फोर टी में, देन आपका आंसर हो जाएगा ई की पावर फोर कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी का कोई भी टर्म कॉमन नहीं आएगा, जिससे कैपिटल टी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो अगर अब आप लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो आप देखिए क्या आएगा आंसर, वन अपॉन टू इंटू इन्फिनिटी ई की पावर ओके फोर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय फोर। ओके, एंड ई की पावर जीरो क्या होता है हमारा, वन। ओके, सो माइनस वन ये आंसर आ जाएगा जैसे ही आप टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का टर्म आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है और ये भी आपका जो टर्म है टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही है। ओके, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज कर लूं, ई की पावर फोर इन्फिनिटी माइनस वन ओके डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, एट इन्फिनिटी। ओके, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का टर्म आ जाएगा, और हमें पता है जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का टर्म आए इट इज इनवैलिड, तो हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें यहां पर ये जो आपका इक्वेशन है पी का, उसमें आपको पहले एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके देखना पड़ेगा, दैट इज आपको कैपिटल टी के रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तभी आप आंसर यहां पर निकाल पाएंगे। ओके, तो यहां पर जो आपका इक्वेशन है उसे मैं दोबारा लिख रहा हूं, पी इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, आप देखिए इक्वेशन क्या है, ई की पावर पहले आप वन अपॉन टू टी को लिख लीजिए, फिर आप देखिए ई की पावर फोर टी ओके डिवाइडेड बाय फोर, और ई की पावर जीरो इज वन। ओके, सो माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर। क्लियर है अच्छे से यहां तक। अब आप देखिए अगर आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो e की पावर 4t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 4t, ओके, और यहां पर सामने क्या आ जाएगा आपका 4। सिमिलरली 8t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब अगर आप
यहां पर कैपिटल टी आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर अब आप लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी पुट करें तो ई की पावर इंफिनिटी आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी ही आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो आंसर आपका पावर का भी जो है वो इंफिनिटी आ गया, एनर्जी का आंसर भी आपका इंफिनिटी आया था। दैट मीन्स एनर्जी एंड पावर दोनों ही इंफिनिटी है। दैट मीन्स ये जो सिग्नल है आपका नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है। यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, इसलिए मैंने सिग्नल की पावर कैलकुलेशन किया है आपके लिए। वो ये है कि हमेशा ही आप ये मत देखिए कि 1/2t का टर्म है, ओके, और कोई भी t यहां पर कॉमन नहीं आया है, तो t और t कैंसिल नहीं होगा तो पावर हमेशा जीरो आएगा। हो सकता है कि e की पावर या कोई भी जो जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें इन्फिनिटी का टर्म क्रिएट हो जाए, जिसके कारण आपका पूरा आंसर क्या बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए, ठीक है ना। अगर ये इंटीग्रेशन आपको जीरो देता टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्लियर है अच्छे से? तो इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा कि 1/2t का टर्म तो मेन है ही, इसको आपको देखना ही है, लेकिन जो साथ में इंटीग्रेशन हो रहा है उस टर्म पे भी आपको ध्यान देना है। हमेशा आंसर जीरो आए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आंसर आपका इन्फिनिटी भी आ सकता है नॉन पावर सिग्नल के केस में, मतलब जो सिग्नल आपका पावर सिग्नल नहीं है उस केस में आंसर आपका जीरो भी आ सकता है और आंसर आपका इन्फिनिटी भी आ सकता है, ओके। जीरो कब आएगा? जब सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल होगा। और इन्फिनिटी कब आएगा? जब सिग्नल आपका नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा। क्लियर है अच्छे से? नाउ अब जो इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है ना, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपके लिए यहां पर निकाल देता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये था, ये आपका एनर्जी सिग्नल था, इसमें आपकी एनर्जी फाइनाइट आई थी। यहां पर एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मैं आपको अब एनर्जी की कंडीशन लिखाने जा रहा हूं। आप क्या करिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल जो मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले पढ़ाया था उसको चेक करिए, क्या एक्सटी आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है। दैट मींस क्या xt आपका t tends to plus infinity and t tends to minus infinity पर जीरो है? तो आप देख सकते हैं कि जो xt का एम्पलीट्यूड है वो t tends to minus infinity पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ut से मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब t tends to minus infinity पर जो xt है वो जीरो ही होगा। नाउ अगर मैं t tends to plus infinity पर चेक करूं तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमको पता है जीरो ही होता है। तो देख लीजिए ये जो xt है आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी सिग्नल आपके एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, आपके एनर्जी सिग्नल होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपके लिए एनर्जी की ट्रिक पहले लिख देता हूं, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, इफ xt इज इक्वल टू जीरो फॉर t tends to plus infinity and t tends to minus infinity, ध्यान रखिएगा दोनों में जीरो होना चाहिए, किसी एक में भी जीरो होगा तो काम नहीं चलेगा, then जो आपका xt है it will be energy signal, okay, xt आपका energy signal होगा। आपको power निकालने की कोई need नहीं है, आप directly energy calculation की तरफ चले जाइए, ठीक है। और ये जो हमने ट्रिक लिखी है ये सेम आपकी xn के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस के लिए भी वैलिड है और साथ साथ में डिस्क्रीट के लिए भी वैलिड है, ठीक है। अब सेकंड देखिए, इफ xt इज इक्वल टू ओके इन्फिनिटी, xt आपका इन्फिनिटी हो जाए फॉर t टेंस टू इन्फिनिटी और t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और बोथ, मतलब दोनों में हो जाए t tends to plus minus infinity, अगर आपका xt infinity हो जाता है कहीं पर भी तो सिग्नल आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, then xt will be neither energy nor power signal, okay, क्लियर है अच्छे से। तो अगर आपका xt infinity है for t tends to plus infinity और minus infinity और t tends to plus minus infinity पर, तो xt हमेशा क्या होगा, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, क्लियर। तो आप देख सकते हैं जो ये लास्ट एग्जांपल था आपका, यहां पर आप देखिए t टेंस टू इन्फिनिटी पर xt कितना है आपका, देख सकते हैं आप इन्फिनिटी है, ठीक है ना, e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, नो डाउट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर जीरो है क्योंकि ut से मल्टीप्लाइड है,
लेकिन मैंने आपको क्या कंडीशन लिखाई है कि चाहे t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, चाहे माइनस इंफिनिटी, चाहे दोनों पर, किसी पर भी अगर एम्पलीट्यूड, अगर एक्स टी इंफिनिटी हो गया तो सिग्नल होगा नाइदर एनर्जी नॉर पावर। और यहां आप देख भी सकते हैं ये इस एग्जाम्पल में आपका एनर्जी भी इन्फिनिटी थी और आपका जो पावर था वो भी इन्फिनिटी था और सिग्नल था आपका नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। नाउ थर्ड केस, अगर आपका एक्स टी जो है वो बाउंडेड है, बाउंडेड की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक्स टी इज इक्वल टू फाइनाइट। ओके, फाइनाइट मीन्स अगर दोनों तरफ जीरो है तब तो नो डाउट एनर्जी सिग्नल ही है, लेकिन मान लीजिए जीरो के अलावा और कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, if x t equal to finite for t tends to plus infinity or t tends to minus infinity or t tends to plus minus infinity, okay, तो आपका सिग्नल होगा पावर सिग्नल। पर एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर t tends to infinity पे फाइनाइट है लेकिन t tends to minus infinity पे अगर इन्फिनिटी है एम्पलीट्यूड, तब तो वो हर हाल में नाइदर एनर्जी नॉर पावर होगा, ठीक है ना। तो पावर की कंडीशन तभी वैलिड है जब नाइदर एनर्जी नॉर पावर वैलिड ना हो, क्लियर है ना। मतलब अगर नाइदर एनर्जी नॉर पावर प्रूव हो गया तो फिर आपको पावर के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि पावर सिग्नल तब होगा जब सपोज करिए टी टेंस टू इन्फिनिटी पर आपका एम्पलीट्यूड है टू, लेकिन टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर भी कोई फाइनाइट वैल्यू जीरो भी चल जाएगा, जीरो हो जाए या कोई भी दूसरी कांस्टेंट वैल्यू हो, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि देखिए आपने यहां पर एक सिग्नल देखा था डीसी सिग्नल, देखिए जो डीसी सिग्नल है वो टी टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या था आपका ए, टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर भी क्या था ए था, जीरो नहीं था ना, कोई ए कोई कांस्टेंट वैल्यू थी, तो ये कौन सा सिग्नल था आपका पावर सिग्नल। आप देख सकते हैं पावर इसका आया था ए स्क्वायर, क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिग्नल को देख के कि सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है कि नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है। ओके, यहां पर आपको एक और कंक्लूजन मैं दे देता हूं कि जनरली जो आपके पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, जनरली पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स। ओके, अगर पीरियोडिक सिग्नल है कोई तो आप पावर कैलकुलेशन के तरफ ही जाइए, जनरली पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स। ओके, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल है तो उनका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी तो नहीं होगा, ये फिक्स है, आप साइन वेव को अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। साइन वेव का एम्पलीट्यूड माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है, तो एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी नहीं होगा, तो वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर तो नहीं हो सकते। लेकिन पीरियोडिक सिग्नल के लिए आप ये नहीं बता सकते ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन वेव के लिए, कि वो टी टेंस टू इन्फिनिटी पर किस एम्पलीट्यूड पर एंड होगी, क्या वो माइनस वन पे एंड होगी, क्या वो वन पे एंड होगी, या माइनस वन से प्लस वन के बीच की किसी वैल्यू पर एंड होगी, ठीक है ना। तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए जो उसकी फाइनल वैल्यूज रहती हैं बोथ नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड, वो इन्फिनिटी नहीं होती है, बिल्कुल फिक्स है, लेकिन वो अनडिटर्मिनेबल होती हैं। तो इस केस में आपको पावर सिग्नल की तरफ ही जाना होता है, ठीक है। सिग्नल्स आपके जनरली पावर सिग्नल्स ही होते हैं। ओके, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करिए मैं यहां पर एक पीरियोडिक सिग्नल ले रहा हूं, एक्स टी इज इक्वल टू 20 कॉस 10 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ओके, ये मेरा एक सिग्नल है और ये आप देख सकते हैं कॉस है, पीरियोडिक सिग्नल है, इसका अब हम पावर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ओके, तो आप देखिए पावर इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2t माइनस टी से प्लस टी। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर टी करना है, मतलब 400 कॉस स्क्वायर 10 पाई टी प्लस पाई बाय 4 इंटू डी टी। ओके, क्लियर है अच्छे से। अब आप यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म आया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब हम उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहां पर, तो p इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, अब आप देखिए 400 आपका आउटसाइड होगा, तो आप लिख सकते हैं यहां पर 400 अपॉन 2t। ओके, इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे, माइनस टी से प्लस टी, इंटीग्रेशन की पहले लिमिट लिख लीजिए। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा,
1 plus cos 2 theta divided by 2. That means ये हो जाएगा आपका 1 plus cos, okay? देखिए 2 theta करना है. Theta क्या है? 10 pi t plus pi by 4. Okay? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 20 pi t plus pi by 2. Okay? Into dt. Clear है अच्छे से? और divided by आपको करना है 2, जिसको मैं directly outside लिख देता हूँ. Clear? Now, P कितना हो जाएगा? देखिए, limit T tends to infinity, 400 by 4, 100 by T. Okay? Clear है अच्छे से? Now, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इन दोनों को आप separate कर सकते हैं. ठीक है ना? तो एक integration हो जाएगा आपका 1 का. तो आप लिख सकते हैं, minus T से plus T dt. क्लियर है अच्छे से. नाउ एक इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा आपका? एक इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos वाले टर्म का. ओके, यहां पर वैसे आपके पास ऑप्शन है, cos 90 plus थीटा को आप sin थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं, और ना भी लिखें एज इट इज भी रहने दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो cos 20 pi t plus pi by 2. ओके, तो ये आपका फुल एंड फाइनल क्या हो जाएगा? dt. ठीक है ना? तो अब आप देखिए यहां पर जो cos वाला टर्म है आपका, जब आप cos का इंटीग्रेशन यहां परफॉर्म करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, तो इंटीग्रेशन आएगा आपका sin. ठीक है ना? इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन आपने कर दिया, sin आया. फिर जब आप t की लिमिट पुट करेंगे, स्मॉल t की, तो यहां पर कैपिटल t लिमिट पुट हो जाएगी अंदर में. तो देखिए लिमिट्स जो होगी वो अंदर में पुट होगी, क्योंकि यहां पर 20 पाई t जो स्मॉल t का टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर है, cos के अंदर है. ठीक है ना? cos के एम्पलीट्यूड में कोई भी कैपिटल t का टर्म नहीं आने वाला, जिससे ये कैपिटल t और कैपिटल t जो आपका डिनोमिनेटर में पहले से है वो कैंसिल नहीं होगा. दैट मींस इस cos वाले टर्म के लिए जब आप t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा. तो इस cos वाले टर्म को सॉल्व करके टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में भी, और इवन किसी भी एग्जाम में, किसी भी थ्योरी में. ओके, इसके लिए आप सिर्फ एक लाइन लिख दीजिए, अगर कोई सब्जेक्टिव एग्जाम भी है तो लिख दीजिए यहां पर कि दिस इंटीग्रेशन विल बी 0 व्हेन वी पुट t टेंड्स टू इंफिनिटी. ओके, नाउ अब आप देखिए लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 100 बाय t, और ये dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t और t ऑफ माइनस t, आंसर हो जाएगा 2t. तो देखिए t और t कैंसिल, तो पावर जो है आपका आ जाएगा 200 वॉट. ओके, आप देखिए यहां पर आपका सिग्नल था xt equal to 20 cos 10 pi t plus pi by 4, उसका पावर आया है आपका 200 वॉट. ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और है आपके लिए कि आज के बाद से कोई भी साइन हो या कोई भी cos हो, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका cos का टर्म है यहां पर ओमेगा t plus pi by 3, ओके, सी साइन, ठीक है, 100 टी प्लस पाई बाय 6, एनीथिंग, आपका जो पावर है वो हमेशा होगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ओके, तो देख सकते हैं आपका एम्पलीट्यूड जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस किया है उसमें 20 था, तो 20 का स्क्वायर 400 बाय 2, पावर कितना आया? 200. ठीक है, तो आज से याद रखना है आपको, किसी भी साइन या किसी भी कॉस का पावर होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं अब एनर्जी और पावर सिग्नल के लिए. ध्यान से देखिएगा, सपोज करिए आपको एक सिग्नल यहां पर गिवन है. ओके, कुछ इस तरीके का आपका सिग्नल यहां पर बना हुआ है. ठीक है, नाउ इसका एम्पलीट्यूड है ए, और ये जो सिग्नल बना हुआ है आपका कर्वी शेप में, उसकी इक्वेशन दी गई है आपको e की पावर a t u ऑफ माइनस t. ओके, क्लियर है अच्छे से? इस तरीके से आपको सिग्नल गिवन है, और इस सिग्नल का नाम मैंने दे दिया एक्स टी. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू t. नाउ अब आपको इसका बताना है कि एनर्जी निकालना चाहिए कि पावर, कि ये सिग्नल आपका नाइदर एनर्जी नॉर पावर है, तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े. तो हम देख सकते हैं इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर फाइनाइट है, a है, देख सकते हैं, और t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर 0 है. ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिग्नल जो है
पता है कि पावर सिग्नल है, क्योंकि एनर्जी सिग्नल के लिए टी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पे एम्पलीट्यूड जीरो चाहिए था। नाइदर एनर्जी नॉर पावर के लिए किसी एक पर इन्फिनिटी चाहिए था। तो ना तो ये एनर्जी सिग्नल है, ना ही नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है, तो ये कौन सा सिग्नल होगा? आपका पावर सिग्नल। अब देखिए, अगर मैं इसके पावर कैलकुलेशन की तरफ जाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है पावर का? लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके। बट यहां पर जो आपका इंटीग्रेशन है उसे आप ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिव साइड आपका सिग्नल क्या है? एक्स टी ई की पावर ए टी, ठीक है ना, ये नेगेटिव साइड है इसलिए यू ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाइड है। और पॉजिटिव साइड क्या है सिग्नल आपका? ए, ठीक है। तो अगर इसे मैं ब्रेक कर दूं यहां पर, तो माइनस टी से जीरो तक आप लिखेंगे ई की पावर टू ए टी डी टी, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर टी करना होता है, इसलिए ई की पावर ए टी का स्क्वायर क्या हो गया? ई की पावर टू ए टी प्लस, अब आप देखिए जीरो से टी तक कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर डी टी। क्लियर है अच्छे से? अब आप देखिए यहां पर, जब आप फर्स्ट टर्म में, फिर से वही कंसेप्ट आ रहा है आपका, जब आप फर्स्ट टर्म को आप इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2at का e की पावर 2at ही आएगा इंटीग्रेशन, और जब आप स्मॉल t की लिमिट पुट करेंगे कैपिटल t, तो ये कैपिटल t जो है e की पावर में प्रेजेंट रहेगी, e के सामने जो एम्पलीट्यूड है वहां पर कैपिटल t का कोई टर्म नहीं आएगा, तो कैपिटल t कैंसल नहीं हो पाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स जब आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा? जीरो। तो आपको इस टर्म को यहां पर कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं थी, ओके। क्लियर है अच्छे से? नाउ इस टर्म को देखिए, ए स्क्वायर आपका आउटसाइड हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी, लिमिट क्या है? जीरो से टी, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर टी आ जाएगा, और सामने बाहर आपका है वन बाय टू टी, ओके। तो यहां पर ये हो जाएगा वन अपॉन टू टी इंटू ए स्क्वायर इंटू टी, तो t और t आपका क्या हो जाएगा? कैंसल, और आंसर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पावर आपका फाइनाइट आया है। हमने वैसे पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि दिस इज अ पावर सिग्नल, और यहां पर आपका पावर जो है वो फाइनाइट आ भी रहा है। तो यहां पर आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर आपके एक्चुअली इस क्वेश्चन से दो से तीन कंक्लूजन है आपके पास। देखिए, पहला कंक्लूजन क्या है यहां पर, अगर आप सिर्फ लेफ्ट साइड को देखें, मान लीजिए राइट साइड नहीं होता इस सिग्नल में, सिर्फ लेफ्ट साइड होता, तो लेफ्ट साइड को देखिए टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर जीरो है, और अगर राइट साइड नहीं होता तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी क्या होता? जीरो होता। तो देखेंगे अगर आप लेफ्ट साइड को, डिक्रीजिंग सिग्नल है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड आपका प्रॉपरली एनर्जी सिग्नल था। राइट साइड को सिर्फ देखिए, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एम्पलीट्यूड ए था, और अगर लेफ्ट साइड नहीं होता तो t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर एम्पलीट्यूड क्या होता? जीरो होता। मतलब जो राइट साइड वाला आपका कांस्टेंट सिग्नल है वो पावर सिग्नल है, और जब इन दोनों सिग्नल को हमने मिला दिया, जोड़ दिया, तो आपका ओवरऑल भी पावर सिग्नल ही बना। दैट मीन्स आप एक कंक्लूजन याद रख सकते हैं आज से, एडिशन ऑफ एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल इज ऑलवेज पावर सिग्नल, ओके। एडिशन ऑफ एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल इज ऑलवेज अ पावर सिग्नल, ओके। क्लियर है अच्छे से? नाउ एक और कंक्लूजन है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। हमने देख रखा है ऑलरेडी कि एनर्जी सिग्नल का जो पावर होता है आपका, आप यहां पर ओवरऑल पावर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एनर्जी सिग्नल का पावर होता है जीरो होता है, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं जब आपने इस टर्म का पावर निकाला तो ये टर्म का पावर जीरो हो गया, ठीक है ना, हमने पहले ही कर दिया था जीरो। तो एनर्जी सिग्नल का पावर जीरो होता है, और आपको पता है कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो एनर्जी सिग्नल था। तो एनर्जी सिग्नल का जब पावर जीरो होता है, ये आपको पहले से पता है, और आपको ये भी पता था कि लेफ्ट वाला पार्ट एनर्जी सिग्नल है, तो हम लेफ्ट वाले पार्ट की पावर क्यों कैलकुलेट करें? हम डायरेक्टली राइट वाले साइड का ही पावर कैलकुलेट करते। क्लियर है अच्छे से? तो इससे आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि सिग्नल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, और आपको पता है कि ओवरऑल सिग्नल पावर है, तो जो एनर्जी वाला सिग्नल था उसका पावर निकालकर टाइम खराब मत करिए।
ठीक है ना, वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एनर्जी सिग्नल का पावर हमेशा क्या होता है आपका, जीरो होता है, क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर एनर्जी और पावर, क्लियर है नाउ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही ले रहा हूं, अभी आपका एनर्जी और पावर सिग्नल में हमें बहुत सारे कंसेप्ट और स्टडी करने हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल और पढ़ने हैं, ओके। बट अभी आज आपको मैंने बेसिक बता दिया है, और इस बेसिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक पार्ट भी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, और कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट भी कंसिडर करेंगे इस एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स में, ओके। थैंक यू।